भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। निर्मला जी, यस जी, प्लीज प्लीज बैठ जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा उखाड़ू, मैं हिंदुस्तान का झंडा उखाड़ू। ये देखो मजा आया ना। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। ये फंस गया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए। कौन है? क्यों? आपने ये यात्रा देखी होगी। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं। इसमें कुत्ते भी आए, इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, तो सब जानवर आए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अब मैं हिंदुस्तान की सब छोटी कंपनियों को खत्म करूंगा। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के हाथ में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मुझे नहीं दिखना चाहिए। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, सो जाते हैं। रात तक मतलब वही करते हैं, सो जाते। कोई सेंस है इस बात है? अच्छा, इनको सिखा दिया है। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। ओह माय गॉड, और बड़ी अजीब सी बीमारी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। झूठ बोल रहा है। मैं आप सच्चाई बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं रात को सोता हूँ और मैं सुबह उठकर कहता हूँ, एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूँ। क्या बोला तुमने? मैं भीख मंगा हूँ। तो मैं नहीं नहीं सुनो, क्यों? यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। क्या? नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राष्ट्रगीत शुरू कर। चलो भाई। और ये जो बड़ा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है।
ये जो बड़ा चिन्ह है ये भी हमारे चिन्ह के अंदर होना चाहिए। ये जो हाथ का निशान है ये हमारे चिन्ह में होना चाहिए। गजब आदमी है यार, कोर्ट कहाँ से लाया? ये जो हाथ का निशान है इसका मतलब क्या है बताइए। आज मैं आपका टेस्ट ले, अब सुनिए। अच्छा शिव जी की फोटो देखेंगे ये दिखेगा, और महावीर की फोटो देखेंगे ये दिखेगा, और बुद्धा की फोटो देखेंगे ये दिखेगा, और गुरु नानक, और जीसस क्राइस्ट, और साईं बाबा, और तो ये हाथ दाएं हाथ सब जगह दिखता है, सही बात? ये बात ये बीजेपी के ऑफिस में आपको नहीं दिख सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। माननीय सदस्य प्रधान, बजट पर चर्चा है। ओह नो, मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे, आप शांत हो जाइए। आप बात करते हैं बजट की, चलो वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी चार, हम दो हमारे दो। माननीय सदस्य आज बजट पर चर्चा, क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। राहुल गांधी जी, सर मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी। चलो चलो फाउंडेशन, अब बजट पर बात। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। हाँ, मेहुल चौकसी, मेहुल चौकसी ने फाइनेंस मिनिस्टर की बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है, और फाइनेंस मिनिस्टर मेहुल चौकसी भाग गया ना। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो गई वो खोलने। सॉरी 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 सॉरी। हिंदुस्तान में चुप, नहीं शांत हो जाइए क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं। अब मजे की बात सुनिए। खत्म। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? टाटा गुड बाय, गया। सुनाई नहीं दे रहा। 140 क्या? अयोध्या 140 करोड़ देश की आबादी, 140 करोड़ रुपए। अयोध्या 140 करोड़ लोग, ठीक है। गजब बेइज्जती है। मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा तेल निकलता है ना, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, जैसे यहाँ पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप, पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे, तेजी से नंबर चल रहे। मैंने उनसे पूछा ये नंबर क्या है, मतलब ये हर सेकंड 500-700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या, ये कमाई थी भाई कमाई। वो हर सेकंड $400-500 कमा रहे थे। मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। जैसे ये खड़े हैं, अगर हमने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ये खड़े नहीं हो पाएंगे। खत्म कान। जो भैया ये हमारा झंडा, ये इसको आगे लाओ, तिरंगे क्या साबित करना चाहता है तू? अब देखो, अगर इस झंडे की रक्षा आपने की
तो हिंदुस्तान की सरकार जिंदगी भर आपकी रक्षा करेगा करेगी। बात तो सही है। जो भी युवा इस झंडे की रक्षा करना चाहता है उसे हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और 4 साल बाद उसे लात मार के भगा देंगे। मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है, हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता। मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती। यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे ओ ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख वो देख। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। रुको जरा, सबर करो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं।